नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, जो कि मुंबई से हैदराबाद के बीच में रोजाना ट्रेन है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हैदराबाद डेक्कनमपली के बीच में रोजाना ट्रेन है, दैनिक ट्रेन है। ये जो ट्रेन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रोजाना चलती है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हैदराबाद डेक्कनमपली की जो दूरी है 14 घंटे 5 मिनट में कवर करती है। इसका ट्रेन नंबर है 12701 और ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं, 790 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो ट्रेन है नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराया कैसा चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इस ट्रेन के टाइप के बारे में, तो सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, LHB कोचेस वाली ट्रेन है। और अगर बात करें इसके इंजन के बारे में, तो वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के अगर टिकट किराए के बारे में बात करें, तो इसमें सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो मैं जो अभी आपको आगे टिकट किराया बताऊंगा वो हुसैन सागर एक्सप्रेस का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई हैदराबाद डेक्कनमपली तक का बताऊंगा। सेकंड AC की बात करें तो मुंबई से हैदराबाद तक का जो टोटल किराया है वो है 1645 रुपये, जिसमें 1471 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 80 रुपये है। टोटल किराया 1645 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं, जिसका मुंबई से हैदराबाद तक का टोटल किराया है 1165 रुपये, जिसमें 1024 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 56 रुपये है। टोटल किराया 1165 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा स्लीपर क्लास के दो कोच हैं, जिसमें अगर आपने जाना है तो आपको 445 रुपये लगेंगे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हैदराबाद डेक्कनमपली तक का बता रहा हूँ, जिसमें बेस फेयर है 395 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 20 रुपये, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। टोटल किराया 445 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी है। जनरल डिब्बों के तकरीबन दो कोच हैं, एक इंजन की तरफ है और एक ट्रेन के पीछे की तरफ है, जिसका मुंबई से हैदराबाद तक का जो टोटल किराया है वो है 230 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में कोई अन्य कोच नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं कौन कौन से स्टेशन आते हैं। हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से हर रोज रात को 9:50 पे 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 14 घंटे 15 मिनट का समय लेती है हैदराबाद डेक्कनमपली तक पहुंचने के लिए। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं और 790 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है कल्याण जंक्शन। कल्याण जंक्शन महाराष्ट्र में ट्रेन जो है रात के 10:37 पे पहुंचती है और 10:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 55 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है करजात जंक्शन में रात के 11:18 पे पहुंचती है और 11:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी है। तो ये टेक्निकल स्टॉप है। इसके बाद लोनावला में भी इसका टेक्निकल स्टॉप है, दोपहर के 12:01 पे पहुंचती है और 12:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 127 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और लोनावला का स्टेशन कोड है LNL। इसके बाद पुणे जंक्शन महाराष्ट्र में रात के 1:20 पे पहुंचती है और 1:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहां पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 192 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। पुणे जंक्शन का स्टेशन कोड है पुणे, PUNE। इसके बाद कुर्डुवाड़ी जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 4:13 पे पहुंचती है और 4:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 375 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। कुर्डुवाड़ी जंक्शन में ये ट्रेन जो है मैसूरू वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ हर बुधवार और शुक्रवार को क्रॉसिंग होती है और हर शनिवार को हुबाली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी यहां पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है महाराष्ट्र के आखिरी स्टेशन सोलापुर में पहुंचती है सुबह 5:25 पे और 5:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर
5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 455 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। गंगापुर रोड कर्नाटका में ट्रेन जो है सुबह 6:33 पे पहुंचती है और 6:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 540 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है GUR और इसके बाद ये ट्रेन जो है कालाबुराकी जंक्शन कर्नाटका में सुबह 7:07 पे पहुंचती है और 7:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 567 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। कालाबुराकी जंक्शन का स्टेशन कोड है KLBG। इसके बाद शाहबाद कर्नाटका में ट्रेन जो है सुबह 7:44 पे पहुंचती है और 7:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 594 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। वड़ी जंक्शन कर्नाटका में ट्रेन जो है सुबह 8:25 पे पहुंचती है और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 603 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। वड़ी जंक्शन का स्टेशन कोड है WADI। इसके बाद कर्नाटका के चिट्टापुर रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सुबह 8:47 पे पहुंचती है और 8:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 619 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सेडम रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका का आखिरी स्टेशन है सुबह 9:04 पे पहुंचती है और 9:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 642 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। सेडम का स्टेशन तेंदूर तेलंगाना में सुबह 9:29 पे पहुंचती है, 9:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। विकाराबाद जंक्शन तेलंगाना में सुबह 10:15 पे पहुंचती है और 10:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बेगमपेट तेलंगाना में ट्रेन जो है सुबह 11:19 पे पहुंचती है और 11:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 783 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर हैदराबाद डेक्कन नमपली में दोपहर के 12:05 पे पहुंचती है और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल दूरी है 790 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं किसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और कमेंट जरूर करें अगर आपने इसमें ट्रैवल भी किया है तो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।